दोस्तों, मैं स्पर्शिता श्रीवास्तव आज लेके आई हूँ प्राचीन भारत के मौर्य राजवंश के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। प्राचीन भारतीय इतिहास में मौर्य काल अनेक दृष्टिकोणों से अत्यंत महत्वपूर्ण काल माना जाता है। इस काल में भारत में पहली बार एक सुसंगठित विशाल ऐतिहासिक साम्राज्य कायम हुआ था। इसके विषय में अनेकों जानकारियां हमें मिलती हैं कौटिल्य की अर्थशास्त्र से, मेगस्थनीज की इंडिका, अशोक के लेखों से, मुद्राएं, मूर्तियां आदि। इस काल में हमें संगठित शासन की प्रणाली मिलती है जिसने भविष्य में कायम होने वाले अन्य वंश के शासकों को भी शासन कला का ज्ञान दिया है। यह कहना भी सही होगा कि मौर्यों के द्वारा खड़ी की गई नींव पर ही पाश्चात्यकालीन हिंदू शासक अपने अपने प्रशासनिक भवन का निर्माण करते रहे। दोस्तों, जिन दिनों विश्व विजय का स्वप्न लेकर यूनानी आक्रमणकारी सिकंदर भारतीय सेना और प्रदेशों पर आक्रमण कर रहा था, उसी समय एक साहसी युवक मगध के नंद राजा के विरुद्ध अपनी शक्ति के संचय की तैयारी कर रहा था। अप्रतिम प्रतिभा संपन्न असाधारण कूटनीतिज्ञ विष्णुगुप्त चाणक्य की मेधा का सहारा तथा पथ प्रदर्शन पाकर इस युवक ने राजा नंद को विनष्ट किया और मगध की गद्दी पर भारतीय इतिहास के एक नए युग का सृजन किया। इस युवक का नाम था चंद्रगुप्त मौर्य और इसने ही मौर्य राजवंश की स्थापना की। कहा जाता है कि चंद्रगुप्त के पिता सेना के एक पद पर नियुक्त थे और चंद्रगुप्त की जाति निर्धारण के संबंध में अधिकतर विद्वानों के बीच मतभेद रहा है। चंद्रगुप्त ने चाणक्य का सहयोग लेकर नंदों का उन्मूलन कर दिया। चाणक्य ने धातु शास्त्र की सहायता से धन एकत्र करके नंदों का विनाश करने के लिए सैनिक नियुक्त किए और उन्हें चंद्रगुप्त के सेनापतित्व में रख दिया। मुद्रा राक्षस से सेना की गठन की बात की पुष्टि होती है। इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य का नंदों से युद्ध हुआ और अपार शक्ति होने के बाद भी नंद पराजित हुए, क्योंकि नंदों के समय में प्रजा उनसे संतुष्ट नहीं थी और उनके कुछ मंत्री और प्रतिष्ठित नागरिक भी उनसे असंतुष्ट थे। चंद्रगुप्त मौर्य विजयी हुआ। मगध पर कब्जा होने के बाद चंद्रगुप्त की सत्ता केंद्र पर काबिज हो चुकी थी। चंद्रगुप्त ने अब पश्चिमी तथा दक्षिणी भारत पर विजय अभियान आरंभ किया। चंद्रगुप्त को पंजाब से यूनानी आधिपत्य समाप्त करने में भी सफलता मिली। सिकंदर के आक्रमण के समय पंजाब में विद्यमान रहने के कारण चंद्रगुप्त और चाणक्य दोनों ही विदेशी शासन के दोषों से परिचित थे। भारतीय प्रदेशों में यूनानी आधिपत्य के विरुद्ध छुटपुट प्रयास स्वयं सिकंदर के जीवन काल में प्रारंभ हो गए थे। सिकंदर की वापसी पर यूनानी शासन को 325 ईसा पूर्व तथा 324 ईसा पूर्व के प्रारंभ में गहरा आघात लगा था। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर की मृत्यु के बाद भारतीय प्रांतों में यूनानी आधिपत्य की स्थिति डावाडोल होने लगी। 317 ईसा पूर्व तक भारत के राज्यों को यूनानियों ने छोड़ दिया। 321 ईसा पूर्व से 297 ईसा पूर्व तक चंद्रगुप्त मौर्य ने राज किया। सिकंदर की मृत्यु के पश्चात सेल्यूकस निकेटर, जो कि उसका सेनापति था, उसने पश्चिमी भारत पर अपना अधिकार कायम करने के लिए आक्रमण किया। उसने काबुल तथा सिंधु नदी के पश्चिमी तट के स्थान को जीतकर सिंधु पर कब्जा कर पंजाब के क्षेत्रों को जीतने का प्रयास किया। 306 ईसा पूर्व में उसने राजा की उपाधि धारण कर ली। उसका युद्ध चंद्रगुप्त से हुआ, परंतु वह परास्त हो गया। उसने चंद्रगुप्त के साथ संधि की और इस संधि में सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त से अपनी पुत्री हेलेना की शादी की और काबुल, कंधार, हेरात और बलूचिस्तान चंद्रगुप्त को दिए। चंद्रगुप्त ने इस संधि में उसे 500 हाथी दिए। चंद्रगुप्त ने हेरात से लेकर बंगाल तक के प्रदेशों को जीतने के बाद भारत के अन्य भूभागों पर अपना कब्जा जमाया। कहा जाता है कि चंद्रगुप्त ने दक्षिण भारत के मैसूर को भी अपनी अधीन किया। इन विजयों के बाद का चंद्रगुप्त कालीन इतिहास अंधकार में है। जैन अनुश्रुतियों के अनुसार चंद्रगुप्त ने जैन मत को स्वीकार कर अपने शासन के अंतिम वर्षों में मैसूर में रहना प्रारंभ किया और उपवास करके अपना जीवन समाप्त किया। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में कार्य अलग अलग विभाजित थे। नगर शासन सुव्यवस्थित था। शिल्प कला समिति, वैदेशिक समिति, जनसंख्या समिति, जन कल्याण, वस्तु निरीक्षक, कर समिति, वाणिज्यिक, स्थानीय शासन, सैन्य संगठन, न्याय संगठन, आय व्यय, गुप्तचर विभाग, वैदेशिक समिति अपने अपने कार्य को सुव्यवस्थित तरीके से करते थे। चंद्रगुप्त का व्यक्तिगत जीवन एक रोचक विषय है। कहा जाता है कि वह शरीर संरक्षणों के संरक्षण में रहता था। शरीर संरक्षण यानी बॉडीगार्ड्स। उसे अपनी हत्या का डर बना रहता था, इसलिए अपनी शयन कक्ष को भी निरंतर बदलता रहता था।
कभी इस शयन कक्ष में, कभी दूसरे। जब महल से बाहर निकलता था तो उसका मार्ग रस्सियों से घेरा जाता था और कोई भी उन रस्सियों को लांघकर अंदर नहीं आ सकता था। जो भी रस्सियों को लांघने की कोशिश करता था उसे मृत्युदंड दिया जाता था और चंद्रगुप्त 4 अवसरों पर ही बाहर आता था, युद्ध के समय, आखेट के समय, यज्ञ के समय और न्याय के समय। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से उसका चरित्र महान था और इसी कारण अपने साम्राज्य में वह बड़े सम्राटों की श्रेणी में आता है। चंद्रगुप्त के बाद उसका पुत्र बिंदुसार सत्तारूढ़ हुआ, पर उसके बारे में अधिक जानकारी प्राप्त नहीं है। दक्षिण की ओर साम्राज्य विस्तार का श्रेय बिंदुसार को दिया जाता है, हालांकि उसके विजय अभियान के कोई साक्ष्य नहीं है। बिंदुसार ने 25 वर्षों तक शासन किया था तथा उसे अमित्रघात की उपाधि दी जाती है, यानी दुश्मनों का संहार करने वाला। बिंदुसार का विजय अभियान कर्नाटक के आसपास जाकर रुका, और संभवतः इसलिए क्योंकि दक्षिण के चोल, पांड्य व चेर राजाओं से मौर्यों के अच्छे संबंध थे। बिंदुसार की मृत्यु 272 ईसा पूर्व निर्धारित की गई। दोस्तों, आज के अंश में बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए स्पर्श दशावास्तव को इजाजत। नमस्कार।